जेडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की थर्ड चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम परचेज एंड सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट है। और जिसमें हमने कल परचेज ऑर्डर के बारे में पूरा सीरीज देखा था, उसका चेन क्या था, परचेज ऑर्डर करना था, फिर रिसिप्ट नोट हो रहा था, फिर रिजेक्शन आउट हो रहा था, फिर परचेज में एंट्री हो रही थी, और लास्ट में डेबिट नोट इशू कर रहे थे। यही था ना, तो ये सारी चीज हम लोग पढ़ ही ले रहे थे। क्यों? तो आज हमें तुरंत दे दिया है बिजनेस सिनेरियो, और बिजनेस सिनेरियो के मुताबिक दिया है कि ट्रेवी इंटरनेशनल डिसाइड टू ट्रैक द कंप्लीट प्रोसेसिंग इन टैरिफ राइट। मतलब कि अब ट्रैकिंग का काम करेगी, जो स्मूथ फंक्शनिंग करेगा बिजनेस में, जो बिजनेस को चालू रूप से चलाने में मददगार होगा। ये सारी चीजें आज फिर से परचेज ऑर्डर का क्वेश्चन दे दिया है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है, ताकि पुरानी कंपनी में काफी वो हो गया है। तो आज थोड़ा सा काम लेंदी लगेगा आपको, उसके लिए पहला चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। पहला चैप्टर ओपन कर लेंगे और वहां से सारा काम कर लेंगे, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। आज वैसे आपको आसान भी लगेगा, लेकिन चलिए देख लीजिए फिर ध्यान से आज क्या क्या करना होगा। सबसे पहले कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। और कंपनी किस नाम से बन जाएगी? एडीबी, एडीबी CH3 Chapter 3 7.4, याद कर लीजिएगा, यही है आपका कंपनी AM, सही है। एडीबी एडवांस Chapter 3 7.4 AM, ठीक है। इंटर, और कंपनी का नाम क्या रहेगा? श्रीदेवी श्रीदेवी इंटरनेशनल। क्या रहेगा? श्रीदेवी इंटरनेशनल। देसी कारीगर मौका मिलते है तो अगर पीछे वाले बात करेंगे तो आगे बुलवा लेंगे। अभी स्टेट अच्छा उत्तर प्रदेश 27 43 04 99 36 522 408 99 35 101 2022। नहीं, अपना नंबर बिल्कुल ना डालें, वरना बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे है। ईमेल आईडी में श्रीदेवी कैप्स लॉक बंद कर लिया जाए, श्रीदेवी इंटरनेशनल @gmail.com। सब सामने देखिए, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हो सकता है पुरानी चीज आप भूल जाए, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लें, बस हो गया। कंपनी हमारी बन गई एट यूजल। जैसा जानते हैं कि हम लोग जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रखते हैं इस पे, हाँ, जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रखेंगे, वो नॉट अप्लीकेबल ही रहने देंगे फिलहाल के लिए। इंटर करते आएंगे और जहाँ जीएसटी वाला सेक्शन आएगा, यहाँ क्या कर देंगे? नो, ओके। और कंपनी बन के क्या हो गई हमारी? हो गई, तैयार हो गई। अब सब कुछ होगा नहीं, बिल्कुल सारी चीजें ब्लैंक होगी। क्यों? जानते ही आप लोग, सारी चीजें ब्लैंक होंगे तो क्या करेंगे? इसमें क्रिएट में जाएंगे, और सबसे पहले क्या क्रिएट किए थे हम लोग, याद आ रहा है? ग्रुप बनाए थे। क्या बनाए थे? ग्रुप बनाए थे। कौन कौन सा ग्रुप बनाए थे? वासिंग, पाउडर, और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? प्राइमरी था। और एक बनाए थे वासिंग मशीन, और इसका भी अंडर ग्रुप क्या था? प्राइमरी। अब वासिंग पाउडर में दो चीजें बनाए थे, एरियल और सर्फेक्शन, वो सब स्टॉक यही बनेगा, चाहे ग्रुप की बात करें या सब ग्रुप की बात करें, यही बनेगा दोनों। लेकिन बस चेंजिंग क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ एरियल लिख रहे हैं तो एरियल का प्राइमरी नहीं होगा, क्या होगा? वाशिंग क्या हो जाएगा? पाउडर हो जाएगा, यस। और यहाँ सर्फ एक्सल अगर हम लिख रहे हैं, सर्फ एक्सल का भी प्राइमरी नहीं होगा, क्या होगा? वाशिंग पाउडर ही होगा। और वैसे ही, ठीक वैसे ही दो मशीन, ELG वाशिंग मशीन, इसका क्या होगा? वॉशिंग पाउडर मशीन, वॉशिंग मशीन हो जाएगा, वॉशिंग मशीन हो गया। और उसके बाद से होगा आपका सैमसंग, नेट चला गया क्या? सैमसंग वॉशिंग मशीन, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? वॉशिंग मशीन ही होगा। यानी अब हो गया सारा वाला, यहाँ वाला काम तो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? स्किप से पीछे जाएंगे और यहीं पे यूनिट भी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? यूनिट में कौन कौन सा यूनिट बनेगा? एक बना था केजीएस का, याद आ रहा है? किलोग्राम का, डेसिमल प्लेस दो ले लीजिएगा ताकि डेसिमल में भी केजी आ सकता है। और एक बना था नॉस का, NOS, ठीक है, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
की अभी जरूरत नहीं है, गोडाउन की जब जरूरत होगी तो बना लीजिएगा अगर चाहिए होगा तो। जैसे गोडाउन तो था, याद आ रहा है ना क्या था? एक पड़ोना था, पड़ोना उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे लिख लीजिएगा यूपी, अंडरस्कोर हो गया क्या यूपी, और एक था जी के बी यूपी, यही था ना। हाँ यहाँ पे भी बैक दबा के कंट्रोल आई से फॉर मोर डिटेल करके यहाँ पे भी आप उसका गोडाउन का एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मल्टी में ही होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा ठीक है। तो इंटरनेट करके बिना में एड्रेस वड्रेस नहीं डालने को दे रहे हैं। गोडाउन बन गया, क्या क्या यहाँ बनाना है? स्टार ग्रुप और यूनिक और गोडाउन, बस बाकी सारा काम कहाँ होगा? चार सब अकाउंट के भीतर मल्टी क्रिएट करेंगे, मल्टी कैटेगरी सबसे पहले बनाएंगे, कैटेगरी मल्टी कैटेगरी, यहाँ क्या दबाएंगे मल्टी बनाने के लिए? अल्ट एच मल्टी क्रिएट करेंगे। ऑल आइटम के लिए क्या क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे फ्रंट लोड, और एक बनाएंगे प्राइमरी रहेगा, और एक बनाएंगे टॉप, हो गया। और एक बनाएंगे मैटिक फ्रंट लोड ठीक है, और एक बनाएंगे पाउडर, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पाउडर, शायद दिया हो पहले छुप के निकालेंगे, है क्या आपके पास? देखिए पूरा लिखा हुआ मैटिक फ्रंट लोड पाउडर लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, आउटर लिखा है आउटर लो मुझे देखो ना लो क्या। बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी आप, मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, हाँ ठीक है पाउडर है, यहाँ क्या लिख देंगे? अब सोच रहे होंगे सर अलग अलग बनाएंगे, नहीं एक ही में बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करना है? और यहाँ मैटिक टॉप लोड पाउडर, बस हो गया, बस हो गया ना। प्राइमरी सारे ही कैटेगरी बन गए, देख सकते हैं आप लोग, सारे ही कैटेगरी बन गए, चार ही कैटेगरी दिया हुआ है, मल्टी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, हो गया काम खत्म। और लास्ट में क्या बना लेंगे? आइटम, और आइटम के लिए भी अल्ट एच प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएट करेंगे, यहाँ आल आइटम ही रहने देंगे, यहाँ चेंजिंग नहीं करेंगे। पूछिए क्यों नहीं चेंजिंग करेंगे? क्योंकि मैं आज एक ही बार में वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर सारी की कैटेगरी बना दूंगा, देखिए कैसे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कैटेगरी ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो उसके लिए पढ़ाया थे आपको कैटेगरी ऑप्शन नहीं आया, तो F12 दबाएंगे। और यहाँ पे पहली चीज स्किप करना है, क्योंकि यहाँ ओपनिंग क्वांटिटी अमाउंट कुछ नहीं डालना है, इसलिए मैं इसको यस किया, स्किप करना है मतलब नहीं भरना है। और दूसरा ऑप्शन है तो स्टॉक कैटेगरी डिटेल, इसको भी यस करेंगे क्योंकि कैटेगरी डिटेल आना चाहिए, बस हो गया। और इंटर करेंगे आइटम का नाम क्या है, तो पहले आइटम से स्टार्ट कर लेते हैं, पहले आइटम का नाम है सर्फ एक्सेल मैटिक, सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड लोड पाउडर। अब इसका क्या होगा, यहाँ क्या लेंगे? सर्फ एक्सेल है ना, क्या ले लेंगे यहाँ पे? सर्फ एक्सेल ले लेंगे, और यहाँ क्या ले लेंगे? मैटिक फ्रंट लोड, और यहाँ क्या ले लेंगे? केजी पाउडर, केजी में रहेगा याद रखिएगा। और दूसरा लिखेंगे सर्फ, अब उसकी जरूरत नहीं है देखने की, अब बस याद ही आप लोग कौन कौन सा आइटम था, सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट है, तो यहाँ क्या होगा? मैटिक टॉप होगा, टॉप लोड, बस हो गया। यहाँ क्या लेंगे? सर्फ एक्सेल ही रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा? टॉप लोड हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा, बस हो गया। अब ऐसे एरियल का भी दोनों लिख लीजिए, एरियल मैटिक फ्रंट लोड, और यहाँ ले लेंगे क्या? एरियल, और यहाँ ले लेंगे फ्रंट लोड, और यहाँ ले लेंगे केजी, और यहाँ एरियल मैटिक, एरियल मैटिक टॉप लोड हो गया। यहाँ भी एरियल रहेगा, और यहाँ क्या होगा? टॉप लोड होगा, यहाँ क्या होगा? केजी होगा, मतलब सर पाउडर वाला, मतलब जो भी पाउडर था वाशिंग पाउडर सब हो गया ना, बचा नहीं ना कुछ। और अब वॉशिंग मशीन वाला भी यही ले लेंगे, तो वॉशिंग मशीन में आप ध्यान देंगे 6 केजी में 2 है, और 8 केजी में 2 है सर्फ एक्सेल में, एलजी वॉशिंग मशीन में, और सैमसंग में भी 2 4 है, 6 6 केजी 2 है और 8 केजी 2 है, याद आ रहा है? तो सबसे पहले मैंने बनाया एलजी 6 केजी फ्रंट लोड, फ्रंट लोड WM मतलब वॉशिंग मशीन, और यहाँ क्या ले लेंगे? एल जी है तो एल जी ले लेंगे, एल जी वॉशिंग मशीन, और यहाँ क्या ले लेंगे?
नहीं फ्रंट लोड ना, और यहाँ नॉस ले लेंगे। LG 6 kg का फ्रंट लोड हुआ तो LG 6 का टॉप लोड भी कर लीजिए, यही लिख लीजिए LG 6 kg टॉप लोड भी तो होगा, दोनों ब्रांड है यहाँ पे, ठीक है लोड। और यहाँ पे भी क्या वॉशिंग मशीन WM, और यहाँ पे क्या लेंगे LG वॉशिंग मशीन, यहाँ के लेंगे टॉप लोड है टॉप लोड, और यहाँ के लेंगे नॉस ले लेंगे। यानी LG का 6 kg वाला दोनों हो गया, अब LG का 8 kg वाला दोनों बना लीजिए, टॉप लोड और फ्रंट लोड। तो लिखेंगे LG 8 kg फ्रंट लोड, लोड WM, WM जरूर लिखेंगे वॉशिंग मशीन के लिए। LG हो गया और यहाँ हो गया फ्रंट लोड, और यहाँ हो गया नॉस। LG का लास्ट LG 8 kg क्या टॉप लोड, बस मतलब फ्रंट लोड टॉप लोड फ्रंट लोड यही है, ठीक है फ्रंट लोड टॉप लोड WM, ठीक है। और यहाँ क्या लेंगे LG ही रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा टॉप लोड रहेगा, बस हो गया। यानी कि हमारा LG का सारा हो गया। हम पहली बार जब बनाए थे पहले चैप्टर तो सब अलग अलग बनाए थे, याद आ रहा है ना, लेकिन यहाँ इकट्ठा बना लेंगे, क्या जरूरत है, हम क्यों अलग जाएंगे, अब तरीका पता चल गया। ऐसे एरियल में भी 6 kg का दो और 8 kg का दो बनाइए यहाँ पे। हाँ सॉरी सैमसंग, सैमसंग सॉरी सैमसंग क्यों, हाँ ठीक है सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड लोड WM, और क्या करेंगे यहाँ पे सैमसंग ही हो जाएगा, सैमसंग यहाँ हो जाएगा फ्रंट लोड, और यहाँ ले लेंगे नॉर्म, और यहाँ लिखेंगे सैमसंग 6 kg 6 kg टॉप लोड। दिमाग में रखिए, फाइल के हिसाब से नहीं करिएगा, अपने हिसाब से समझ रहे हैं ना, ये इस तरह दिमाग में सेट हो जाएगा क्या है टॉप लोड WM, यहाँ के लेंगे सैमसंग, यहाँ ले लेंगे टॉप लोड, और यहाँ ले लेंगे नॉस, बस हो गया। तो सैमसंग का 6 kg में टॉप ऑफ फ्रंट दोनों हो गया, अब 8 kg में भी टॉप ऑफ फ्रंट होगा क्यों, तो लिखिए सैमसंग 8 kg फ्रंट लोड, फ्रंट लोड WM, यहाँ सैमसंग हो गया, यहाँ फ्रंट लोड हो गया, और यहाँ नॉस हो गया। और ऐसे ही सेम टू सेम सैमसंग 8 kg टॉप लोड WM, बस यहाँ कर लेंगे सैमसंग ही हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा टॉप लोड हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा नॉस हो। देखिए एक बार में परफेक्ट आएगा, टोटल 12 हो रहे हैं। अब फाइल में भी काउंट कर लीजिए, फाइल में भी अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, अरे भाई 6 kg का 4 हो जाएगा और 8 kg का 4 हो जाएगा, कितना हो गया 8 हो गया, और 4 पाउडर में भी तो है, सर्फ एक्सल का 2 है और एरियल का भी 2 है, टोटल कितने हो गए 12। देखो 12 हमारे पास हो चुके हैं, फिल्टर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और सबसे मजेदार चीज आप खुद देख लीजिए, वॉशिंग मशीन में 2 चीजें, एलजी वॉशिंग मशीन और सैमसंग वॉशिंग मशीन, एलजी में 4 सैमसंग में 4, वॉशिंग पाउडर में 2 वॉशिंग पाउडर, एरियल और सर्फ एक्सल, सर्फ एक्सल में 2 और एरियल में 2, टोटल कितने हो गए 2 2 4 और 4 4 8, 8 4 12, और करेक्ट हमारा 12 आया था, समझ आ गई बात ना। तो ऐसे ही बनाना है आपकी क्लास, आपकी क्लास में ज्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें आप लोगों को टाइम लगने वाला है, मैंने 5 10 मिनट में खत्म कर दिया, आपको टाइम लगेगा, नई कंपनी बनानी है और ये सारे आइटम क्रिएट कर लेने, आज की क्लास में यही करना है, कर लेंगे ना, बस आज की क्लास में यही करिए, जाइए और करिएगा, अभी रुक जाइए मतलब ऋतिक। ठीक है।